कोई कौन है वो? हमने उसका ध्यान भय किया है, गुरु माना है, उसने नाम दिया है न हमने जान न पहचान, उसने हमारा घर सुरग बना दिया, तो हम तो उसे भगवान मानेंगे, क्या मानेंगे? नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रति इंसा जी हैं, जो मध्य प्रदेश से डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में आई हैं। इनसे जानते हैं कि इतनी दूर से ये डेरा सच्चा सौदा में आज किस आस्था से, किस विश्वास से आई हैं, क्योंकि देखा जाए 3-4 साल होने वाले हैं संत जी अब समाज में नहीं है, क्या है इनका कहना संत जी के लिए आज। रति इंसा जी से सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। रति जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। रति जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हुई हैं? मुझे हो गए 10-12 साल, 12 साल हो गए हैं। क्या आज भी आपकी आस्था 2017 के बाद आज भी आस्था है गुरु जी के ऊपर? है, मेरे मालिक है, वो बनी रहे जिंदगी भर। जब मैं मर जाऊँ मेरा आस्था नहीं मरे कभी, मेरे मालिक के लिए ऐसी खुली रहे मेरे दिल की आस्था, और मेरा मालिक जल्दी आ जाए दाता, तो हम सबके बीच आ जा। मैं बहुत दिल दुख रहा आने से, मेरा दिल टूट रहा है, हम क्या बताए किसी को, हमारा बाबू कब आएगा हम लोग के बीच, हम मरे हुए से घूम रहे हैं अपना बाबू बगैर, इतना दूरियां बना रखा हम सबसे, हमें खाने को नहीं जुड़ रहा था, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे इतने इतने, हमारा घर वाला दारू पीता था, सबको मारता था, हमको भी मारता था। एक बहन मिली मेरे को गांव की, बोली तू नारा लगा के इसको खाना दे करे बना करके, और तू भी खाए करे बच्चे को दे करे। मैंने उसकी बात मान ली है। मुझे उसके घर अपने पापा की फोटो दिखी, पिताजी की। मैंने उससे बोला है बहन तेरा कौन है, ये तेरा बाप है क्या? बोली नहीं बहन, मेरा बाप भी है, मेरा गुरु भी है, मेरा सब कुछ यही है। मेरी बहन एक कैसे मिला तेरे को? बोली हमारे यहाँ छतरपुर में आए थे अपने यहाँ पे, तो इसे हमने नाम लिया है, सत्संग सुना है। मैं पहले जानती नहीं थी कुछ, क्या सत्संग है, क्या नाम है, क्या गुरु है, मैं नहीं जानती थी। तब मैंने उसके घर देखा है, तो मैं उसने बोला मेरे को, मैं दीदी ऐसी ऐसी परेशानी है, मैं क्या करूँ, मर ही जा रही इस आदमी से। बोली तू कुछ मत कर, तू नारा लगा धान धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और तू रोटी बनाए से पानी कुछ भी दे ऐसे नारा लगा लगा के दे करे, ऐसे दारू भी पिए फिर भी तू नारा लगा के ऐसे रोटी दे, मतलब कुछ भी कर ऐसे नारा लगा के घर हर भोजन करा। मैं उससे नहीं बोलती थी अपने घर वाले से कि मैं तेरे को ये करके देती हूँ। उसने बोला था कि इसको मत बताइए। मैं ठीक है, मैं नहीं बताऊँ। मैं अपना 6-7 साल तक उसको ऐसा, 5 साल तक तो 2 साल तक मैं ऐसी नारा लगा लगा खिलाती रही। फिर मुझे नाम मिल गया, मुनी के साथ आई, नाम मिल गया, मैं आई तो वो बहन बोली अब तो तेरे को नाम मिल गया है, अब तू अपने नाम का सुमन करके इसको खाना खिलाए करे। तो मैंने ठीक है, सो नाम का सुमन करके मैं मालिक से बोली है दाता लाज रखना, सही हो जाए, सुधर जाए, आपकी चैनल में आ जाए, इतना माने। फिर होने लगी मैं कि दाता तू कब सुधारे ऐसे, तो मेरे को कुल्हाड़ी रखे थे मानने के लिए, जब मैं नाम लेने के लिए आई तो कुल्हाड़ी रखे था मेरे मानने के लिए, बोले कि साली आएगी उसे काटूंगी, माधर चौधरी किस कि आप गई हो सिरसा गई, इसने मेरे माँ पे बोली, बाप पे बोली, देखो तुम्हारी लड़की सिरसा गई, तुम्हारे माँ बाप ने बोला सिरसा में क्या है, बोले पता नहीं उसके किसी का गुरु है तो गुरु नाम लेने गई है, तो मेरे माँ बाप ने बोला नाम लेने गई तो क्या होता है, उसने बोले पता नहीं गोश्त मछली नहीं खाने आता है, और पता नहीं क्या क्या करने आता है, उसका सुमन करने आता है। तो मेरे माँ बाप ने बोली तो सही राहत पे तो गई, तो जाने दो क्या बुरी हो तुमको बात, वो मान गया। वो मेरे लिए तो मानने को कुल्हाड़ी रखे था अपने तकिया के सामने, तो मेरे को फ़ोन किया है 50 नंबर में, यहाँ अपना कहाँ है फ़ोन आता है कहीं से भी करो, तो फ़ोन किया मेरे को, बोले जहाँ वो रति इंसा हो वह तो उसे मेरी बात करा देना, वो यहाँ नहीं आए माधा चौधरी उसे मार दूँगी काट दूँगी। तो मैं डर गई, तो मैंने बोली हे मालिक, हे मेरे सतगुरु, तू ही है बचाने वाला, मैं तो वहाँ जाऊँगी तो पता नहीं वो मुझे सोते समय मार देगा क्या करेगा, दाता तू मेरे को बचाइए, मेरा विश्वास तो ही पे है।
मैं सो गई, पैसा तो लगी, उसने नहीं खाया। मैंने मना मना के दिया खा ले भाई, छतर फोका, बूंदी है क्या है? तो उसने दो दाने खाए, उसने बच्चे को दे दी खा लिया। मैं सो गई ऐसा, उनसे मालिक से प्रार्थना लगा के उसके विश्वास से ये सही हो गया। नए से नए कुल्हाड़ी उड़ाई रखी थी वो फेंक दई है, मेरे से लड़ा कुछ नहीं किया, वो अच्छे से बोले, मेरे से बोले तू आ गई किस लिए गई थी, वह क्या हुआ, मेरी सत्संग हुआ है, वो तो अपने गुरुजी आए थे, उसने नाम दिया है, दो तीन शब्द का नाम है, बोला इस नाम का जाप करना तुम्हें भगवान ढेर खाली खुशियाँ दे। तो ये बताया, उन्होंने कुछ नहीं किया, और बोला किसी से लड़ना मत, झूठ चुगली मत करना, मीट मछली मत खाना, बुरे काम मत करना, सारा बुराई छोड़ देना। मैं ठीक है मालिक, हम अपने मालिक से कह के आए हैं। तो हमारा मालिक उस दिन से आज तक हमें खाने को ना थे, हमारे मालिक ने एक बीघा हमको ज़मीन ले दी, आज हमारे घर में जेठ मालिक ने लगवा दिया, आज हमारे घर में मालिक ने दो चार पांच बकरी भी कर दिया, हम पे भी पैसा ना था, पता नहीं वो कहाँ से क्या कर देता है, तो हमारा काम बढ़िया सुधर जाता है। हम उसको याद करें, हे दाता हम पे पैसा नहीं है और हमको तो ये चीज़ चाहिए, तो चाहिए तू चाह जहाँ से लिया। तो हमारा वो अभी जेल में है, हमारी बात मानता है, हमें हमारे अपने घर में हमारे काम कर देता है, अभी जेल में आप है। इसी आस्था से इतनी दूर से यहाँ पर आए? हम तो आएंगे जीवन भर आएंगे, चाहे मेरा मालिक, मेरा मालिक हमसे दूर रहे चाहे पास रहे, हरदम मेरे दिल में रहे वो। क्या मानते हो आप उनको? मैं अपना बाप मानती हूँ, वो अल्लाह राम मानती हूँ, वो सतगुरु मूला मानती हूँ, मैं उसको सब मानती हूँ, भगवान भी मानती हूँ, मैं जिंदा राम मानती हूँ। दूसरी तरफ जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको उन आरोपों? मुझे तो बहन ये सारा झूठ है, ये खेल है मेरे मालिक के ऊपर रच लिया दुनिया ने। ठीक है कोई बात नहीं, ये मालिक जाने ऊपर वाला, एक दिन सच का फैसला होएगा, जरूर होगा, मेरा मालिक हम सब के बीच आएगा। वही मैं उससे मालिक से बोलती हूँ कि हे दाता तू आ जा, वही सारे जो दुनिया तेरे को उत्ता सीधा बोलती है इसका मुंह बंद कर दे, मेरा मालिक आए है, वही सब झूठ है बहन, ये कुछ नहीं है। जो टीवी में मीडिया में भी दिखाया जा रहा था? हाँ झूठ मीडिया में बोलते जाते, पता नहीं क्या क्या बोलते, हम कहते नहीं ये कुछ नहीं है, मेरा दाता है, सच है और सच रहेगा, बरदम रहेगा। हम क्यों, हम कितना दिन हो गए आते आते, हमारी बहनें फूल सी हर जगह घूमती हैं फिरती हैं, हम ऐसे अपने बाप के घर में नहीं रह सकते जैसे अपने डेरे में है। बाप के घर में भाभी डांट देगी, भैया डांट है, यहाँ कोई नहीं डांटता है, हमारे बाप कहता है हमारी संगत, हम अपने घर जैसे रहती है, जो चीज़ खाने खाने, जो चीज़ नहीं करने नहीं करने। हमारा डेरा हमारा, हम माई के कब्जा अपने डेरा पे ज्यादा यार। कितनी याद आती है आपको गुरुजी की? वो तो माला की जाने, ये हमारा दिल जाने कि हमको गुरु की कितना याद आए। हम घर में अपने सोते सोते रोते रहते हैं, किसी से नहीं कहते, हम अपने घर में रोते रहते हैं, किसी से नहीं बोलते, कुछ भी नहीं कहते हैं, बस उसी माला से बोलते कि हे दादा तू आ जा हम सबके बीच, कब आएगा हे मालिक, हमसे इतना दूर मत कर। बस हम तो बहन हाथ जोड़ते ऊपर वाले भगवान के कि हमारा मालिक आ जा जल्दी हमारे डेरा में, हमारे सबके सामने आ जा। लोगों के लिए, समाज के लिए गुरुजी ने क्या काम किया? बहुत अच्छा किया। हमारा घर नरक था, हमारा घर सुरग हो गया, हम उसके कौन थे, हम उसे जानते थे कोई कौन है वो, हमने उसका ध्यान भय किया, गुरु माना, उसने नाम दिया है ना, हमने जान ना पहचान, उसने हमारा घर सुरग बना दिया, तो हम तो उसे भगवान मानेंगे, वो क्या मानेंगे? आपसे पैसा दान चढ़ावा कुछ? अरे भैया कुछ नहीं, हमने तो आज तक एक रुपया भी एक चुन्नी तक नहीं इसके डेरे के अंदर वो कही है कि किसी को दिया कि चढ़ावा के दान नहीं। आते आठ दिन रहे, दस दिन रहे, पाँच दिन रहे, मन का खाया दो चार पाँच बार, बस करना तो कई सेवा, नहीं करना तो नहीं कई, खाना तो खाने हमको तीन टाइम आराम से, कोई हमसे यहाँ बोल भी नहीं सकता कि भाई सेवा करो मत करो, हम तो अपने मन से करें तो नहीं करें तो। आज तक मेरे दाता ने मेरे सतगुरु ने ये नहीं बोला है कि जो सेवा नहीं करे तो उसको मत खाना देना, नहीं खाना सबको देना, जिसको करना हो करो, नहीं करना मत करो। ऐसी मौज है मेरे डेरा में, मेरे सतगुरु मूला के यहाँ, ऐसा कहीं मत मिलेगा हमको। क्या जरूरत है उनकी समाज? हे मेरी बहन ऐसा मत बोल के, जरूरत हमको सबको बढ़िया जरूरत है, हे मालिक हम सबके बीच आ जा, हम बहुत जरूरत है हमारे मालिक की। क्या मांग करोगे सरकार से? हम तो ये मांग करें कि हे भैया
झूठ है, ये सब कुछ है और झूठ लगा रहा है। हमारे मालिक को हमारे बीच दे दो, ये सब कुछ हटा दो, ये झूठी और हमारे बीच हमारे मालिक को है। सच था वो सच रहेगा, दुनिया जिंदगी में सच रहेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद रति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आपको हम लगातार फैक्ट के साथ रूबरू करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश से रति जी आज भी डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आई हैं। किस तरीके से ये अपने गुरु के लिए रो रो के बता रही हैं, किस तरीके से इनकी जिंदगी बदलाव में आई है, किस तरीके से इनका घर नरक था जो स्वर्ग बन गया, और आज ये मांग कर रही हैं कि ऐसे गुरु ऐसे संत के ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब झूठे हैं, उनकी इस समाज को इस देश को सख्त ज़रूरत है। लगातार पब्लिक रो रो के मांग कर रही है, रो रो के आपके सामने हजारों लोगों ने बयान दे चुके हैं, 10-11 हज़ार लोगों की वीडियो आप तक अब तक पहुंच चुकी है, जो रो रो के मांग करते हैं कि गुरुजी सच्चे हैं, उनको झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, उनको झूठा बदनाम किया जा रहा है। वो लोग जो समाज में नहीं चाहते कि समाज हित के कार्य हो, इस तरीके से जिस तरीके से रति इंसा जी का घर स्वर्ग बना, इस तरीके से लोगों का घर स्वर्ग ना बन जाए, वो लोग जो नहीं चाहते, ऐसे लोगों ने ही गुरुजी को फंसाया है। ये लोग लगातार मान रहे हैं, लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।